ट्रायंगल ए जी बी एंड ए एफ सी, जहां पे आपके एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं वो दो ट्राइंगल्स हमने ले ली। हाँ जी, अब आपके यहाँ पे तीन ये लेंथ इक्वल आएंगी, ई डी एफ सी जी बी। ई डी मुझे नहीं पता कितना है, इसको छोड़ दो, यानी कि ये और ये हमने इक्वल लेके चलने। अब डिस्टेंस लेके चलो, ये डिस्टेंस कितना है, टू है, तो ये वाला इस ट्राइंगल के लिए क्या हाइट लेके चलोगे, एच माइनस टू। ये टू प्लस ये फोर सिक्स हो गया, तो ये वाला डिस्टेंस कितना लेके चलोगे, एच माइनस सिक्स। ठीक है, क्लियर है? तो हाइट्स जो हैं दोनों ट्राइंगल्स की हमारे पास आ गई। अब हमने क्या किया, पहली ट्राइंगल कौन सी ली है, ए, और दूसरी ए सी एफ। चलो पहली ए बी जी। अब क्योंकि हाइपो का कुछ लिंक नहीं है तो साइन कॉस नहीं लेंगे, टैन लेके चल रहे। टेन थर्टी इज इक्वल टू इसको एक्स मान लोगे तो ये भी एक्स हो जाएगा। चलो दिस इज एच माइनस सिक्स अपॉन एक्स, तो एक्स इज टेन थर्टी इज वन बाय रूट थ्री। एक्स कितना आ गया, फर्स्ट इक्वेशन ले लो इसको। अब सेकेंड ट्राइंगल हमने ली ए सी एफ, उसमें टेन सिक्सटी, हाँ अब एक्स पुट करेंगे। हाँ जी, हमने क्या किया, जो है इस वाले को लिया ना, तो इस वाले में से फुल में से सिर्फ ये माइनस कर दिया, और ऐसे ही जब इतना पोर्शन लिया तो फुल वाले में से ये पूरा माइनस। हाँ जी, स्मॉल एच जैसे मर्जी ले लो, ऐसे ले लो, इसको एच मान लो, ये एच प्लस फोर हो जाएगा, ये एच प्लस सिक्स हो जाएगा, जैसे मर्जी ले लो, जैसे कन्वीनियंट। क्या आएगा यहां से, x की वैल्यू डाल देंगे तो tan 60 इज रूट थ्री एच माइनस टू अपॉन रूट थ्री टाइम्स एच माइनस सिक्स। अब टू एच इज इक्वल टू सो इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 meters अबव द ग्राउंड। एग्जाम्पलर वाली बुक है किसी के पास, एनसीईआरटी की है जो, इन दैट वन एग्जाम्पल इज ऑल्सो देयर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो एनसीईआरटी वालों की अनसॉल्व वाली जो होती है, इन दैट वन एग्जाम्पल इज देयर, स्फेरिकल बलून से ही रिलेटेड है वो। हाँ जी, ये तो पब्लिकेशन की है ना, जैसे सॉल्यूशन है वो, उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। इन बुक्स में ना एग्जाम्पल्स नहीं होते, याद है? हाँ, बलून वाला जो था, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल्स नहीं है ना वहां पे।
h meters above a lake is alpha, and the angle of depression of its reflection, angle of depression of its reflection in the lake is beta. Prove that height of the cloud is, prove that height of the cloud is h times tan alpha plus tan beta. Tan alpha plus tan beta bracket mein h times tan alpha plus tan beta upon tan beta minus tan alpha. ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें वो क्या कह रहा है कि जो पॉइंट है दैट इज h मीटर्स अबव अ लेक. तो हमने क्या किया, ये अगर मैंने लेक का लेवल ले लिया तो लेक से वो h मीटर के हाइट के है. ठीक है, अब क्या कह रहा है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम दिस पॉइंट इज अल्फा. अब एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है हमें अल्फा, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है दैट इज गिवन टू बी बीटा. तो यहां हो जाएगा क्लाउड, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है, तो ये एंगल मुझे गिवन है अल्फा, और जो एंगल बीटा किसके साथ गिवन है, डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, इसकी रिफ्लेक्शन के साथ. तो ये अगर है तो ये इसकी रिफ्लेक्शन हो गई, इसके साथ जो मुझे एंगल गिवन है दैट इज गिवन टू बी बीटा. ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, we need to prove that height of the cloud is this. तो height of the cloud हमने निकालनी है, क्या करेंगे, ये h है तो ये भी h हो जाएगा, ये मैं क्या मान लूंगी, x मान लूंगी. अब ये क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब हम एक इमेज की बात करते हैं तो जितना डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और जो है जो भी इसका, जैसे सरफेस ऑफ लेक या मिरर जैसे आप लेके चलते हो होता है, सेम इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्शन फ्रॉम दैट पॉइंट. तो ये आपका हो जाएगा x प्लस h. अब बताइए कौन कौन से ट्राइंगल्स लेके चल रहे हैं. हाँ जी, अच्छा जी, ए बी एफ एंड डी बी एफ. हाँ जी बिल्कुल, लिख सकते हैं. डी जो है दैट इज द रिफ्लेक्शन. अब हाँ जी, क्या कह रहे हो, इसको वाई ले लें, चलो हाँ अब बताओ, टेन अल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, तो वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन टेन अल्फा के कॉट में कन्वर्ट कर दूं इसको. ओके चलो, ट्राइंगल डी बी एफ tan beta is equal to 2 अब y की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, tan beta is equal to 2h plus x upon, this is x upon tan alpha. अब हाँ जी, अब मुझे प्रूफ क्या करना है, हाइट ऑफ द क्लाउड जो है दैट इज एच टाइम्स टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा. हाइट ऑफ द क्लाउड क्या है, तो क्या करेंगे फिर, अच्छा फिर
उसके साथ जो tan है, what to do with that? चलो, this is your homework as the bell has gone. इसको सोच के रखना, and we will discuss this, हाँ जी, tomorrow.